राष्ट्रीय तैली साहू महासंगठन जिला कार्य समिति की एक बैठक शनिवार को जिला युवा अध्यक्ष रामबाबू साहू की अध्यक्षता में की गई। बैठक अंबेडकर चौक के समीप स्थित रंजीत रेस्ट हाउस में संपन्न हुई। बैठक का संचालन प्रदेश कोषाध्यक्ष भागवत साह ने किया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय तैली साहू महासंगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू उपस्थित थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर अधिवक्ता जगन्नाथ मंडल और लक्ष्मण प्रसाद साहू उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू ने कहा कि राष्ट्रीय तैली साहू महासंगठन के माध्यम से पूरे तैलिक समाज को एकजुट और जागरूक करना है। लंबे समय से तैलिक समाज का बड़े पैमाने पर राजनैतिक शोषण किया जा रहा है। राजनैतिक शोषण की मुक्ति का एक ही मार्ग एकजुटता और जागरूकता है। इसके लिए संगठन के पदाधिकारी सिर्फ प्रखंड स्तर पर ही नहीं बल्कि पंचायत और गांव स्तर पर काम करेंगे। बैठक में भागीरथ साव, अरुण साव, दिलीप साव, विशाल साव उर्फ रॉकी, सुरमन साव, गोपाल साव, सुनील साव, मकुल साव, अशोक साव, मनु साव, सोनू साव, रोहित साव आदि लोग मौजूद थे। राष्ट्रीय तैली साहू महासंगठन विस्तार का कार्य प्रारंभ हुआ था। इतने दिनों में इन लोगों ने मेहनत करके संगठन का विस्तार किया, कार्य समिति का विस्तार किया और ये पहली कार्य समिति की बैठक है। और इस सफल बैठक के लिए हम इन दोनों नेताओं को, सामाजिक नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत कम समय में इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके समाज को बहुत हद तक जोड़ने का काम किया है। राष्ट्रीय तैली साहू महासंगठन का उद्देश्य है कि लंबे समय से हमारा समाज दुनिया के हर क्षेत्र में उपेक्षित महसूस कर रहा है। लंबे समय से उसके लिए हम किसको दोषी ठहराएं? हम खुद को दोषी मानते हैं कि हम लंबे समय से संगठित नहीं हो सके, जागरूक नहीं हो सके, जिसका नाजायज फायदा जागरूक समाज के लोगों ने उठाया। अब हमें अपने अधिकार के सुरक्षा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने आत्म सम्मान के लिए, अपने नई पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए तैली समाज को एकजुट होना ही होगा, तैली समाज को जागरूक होना ही होगा। और यह बीड़ा राष्ट्रीय तैली साहू महासंगठन ने उठाया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले 2 साल के अंदर झारखंड प्रदेश में वही होगा जो झारखंड प्रदेश का तैली समाज चाहेगा, वही होगा।